कल रात को 8 बजे जब यहाँ पहुँचे थे तो खुशी के मारे मैं आपको घाटा लूप के बारे में बताना तो भूल ही गई। घाटा लूप्स 21 लूप्स हैं और देखिए गूगल मैप बेचारा पागल सा हुआ जा रहा है। जब आप नीचे से शुरू करते हैं ऊपर तक पहुँचने में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगते हैं और हमने ये लूप इस वेदर में पूरे किए। तो हमें जो रास्ता 5 घंटे में पूरा करना था उसे पूरा करते करते हमें 8 घंटे लग गए। ये एक टेम्पल जो इस रास्ते पे गुजर गया उसके लिए। धीरे धीरे स्नो स्टॉर्म कम हुआ तो धुंधला सा नज़ारा नज़र आने लगा और नज़ारे पे नज़र जाती तब तक नज़र पड़ी पांग के इस बोर्ड पर। मनीष फटाफट उतरे और ऊपर उस ढाबे पर गए। सवाल यही थे क्या खाना मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी और क्या रजाई गरम कुछ मिलेगा, ये बहुत हाइट पर है। जवाब मिला हाँ, वो जो आखिरी वाला कमरा है ना वो हम तीनों का था और रात को एक लाइट मिली जो सेंसर मोशन सेंसर से चलती थी तो उसकी वजह से रात भर हम लोग सोते जागते रहे। मेरी तस्वीर आपको सुबह की नज़र नहीं आएगी। कौन कहता है मुसाफिर जख्मी नहीं होते, कौन कहता है मुसाफिर जख्मी नहीं होते, रास्ते गवाह हैं बस कमबख्त गवाही नहीं देते। सुबह सुबह महक अपना थुपका ले रही हैं, हम लोग तैयार हैं आगे चलने के लिए। मनीष साहब की कमेंट्री एंड देन वी आर ऑन द रोड। वी हैड टू मेक अ अनशेड्यूल्ड स्टॉप एट पांग बिकॉज ऑफ द रोड्स बीइंग क्लोज्ड ड्यू टू स्नोफॉल। वी फाउंड अ रोड साइड ढाबा अब स्नो स्टॉर्म से निकलकर हम पहुंच गए हैं। ये हमारा आखिरी पास है। पास का मतलब होता है कि दो माउंटेन्स के बीच में जो जगह होती है जहां से निकल के आप दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं, तांगलंग ला। इस पास की खासियत ये है कि यहां पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं। मेरे एक दोस्त ने कहा था, लेह में ही मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि माउंटेन्स के पासेस पार करके या तो जिगरी दोस्त या जानी दुश्मन दो ही आते हैं। मैंने कहा भाई अगली बार तो मैं फ्लाई करके ही आऊँगी। और तांगलंग ला की हवा खाने के लिए मनीष और महक ही उतरे, मेरी तो जुर्रत ही नहीं हुई। ये 10 साल पहले की फ़ोटो है जब ये दोनों बिना जैकेट के उतर गए थे। उसके बाद रास्ता आसान हो गया, खाली जो है मीडोज नज़र आने लगी, रोड भी बहुत अच्छी लगने लगी। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी क्या जो छांव छांव चली। तो इसी तरह जिस रास्ते की तरफ चले थे जिस जाने वो रास्ता तमाम हुआ, मैं गुजरता रहा और सफर आसान हुआ। थिक से मॉनेस्ट्री लेफ्ट तरफ हमें नजर आई, उसके बाद लेह पहुंच के हम अपने होटल में पुरसुकून बैठ के दूर से उन पहाड़ों को देख रहे हैं और उस पे वो जो बर्फ नजर आ रही है ना वो कल परसों ही गिरी है जी। अपने साथ ही हम ये तूफान लेते हुए आए हैं। इस सुकून और इस कॉफी की कीमत तुम क्या जानो, ये तो वही जान सकता है जो 4 दिन से सड़कों पे धक्के खा रहा है। पिज्जा, हुमस, पास्ता, वाह वाह वाह, दाल चावल सब्जी से थक गए थे। मैंने तो कसम खा ली थी कि 24 घंटे तक मैं गाड़ी में दोबारा नहीं बैठूंगी। ये दोनों बाजार गए, थोड़ी सी शॉपिंग भी की और जफर अकबर आबादी का शेर, उन्हें दादे सफर देती है मंजिल जो घबराते नहीं तूले सफर से, हम पर बिल्कुल सही बैठता है। कल फिर चलेंगे पैंगोंग।